पेट्रोल और डीजल के दाम पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो चुके हैं। तेल कंपनियां हर दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। लगातार तेल की कीमतों में वृद्धि होने से जनता बहुत परेशान है। बढ़ती तेल कीमतों की वजह से खाद्य वस्तुओं पर भी असर पड़ रहा है। आज एक बार फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल पर 36 पैसे और डीजल पर 30 पैसे बढ़ा दिए। बढ़ती हुई तेल की कीमतों की वजह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई है। जयपुर में पेट्रोल की बात करें तो रेट्स पहुंच गए हैं अब 105.62 रुपए प्रति लीटर। साथ ही डीजल भी 100 रुपए से कुछ ही दूर पहुंच चुका है, 98.37 रुपए प्रति लीटर। राजस्थान में पेट्रोल प्रीमियम जो है वो 110 रुपए से ऊपर हो गया है, और डीजल प्रीमियम की अगर बात करें तो गंगानगर में वो है 106.29 रुपए, हनुमानगढ़ में है 105.44 रुपए, सवाईमाधोपुर में 103.36 रुपए। साथ ही सामान्य डीजल के रेट्स भी गंगानगर हनुमानगढ़ में तो 100 के पार हो गए हैं। डीजल कई जिलों में 100 रुपए के नजदीक भी पहुंच गया है। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों की घोषणा 3 मई को हुई, जिससे पहले 1.5 महीने तक तेल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। चुनाव के परिणाम होने के बाद तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी बीके शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीटे, ये जिस तरीके से पूरे पेट्रोल डीजल के जो दाम है एक तरीके से जनता की पहुंच से बहुत दूर जा चुके हैं, अनकंट्रोल पहुंच गया है, आखिर क्या लगता है सिलसिला अब कहां जाकर के रुकेगा, और क्या जनता के सब्र का अब इंतहाम लिया जा रहा है कि इस तरीके से आए दिन यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी की बातें सामने आ रही है? यदि ये कहना फिलहाल मुश्किल है कि कहां जाकर रुकेगा, और ये क्योंकि इससे सवाल का जवाब सरकार की ओर से भी नहीं दिया जा रहा, ना ही कोशिश की जा रही है, इसलिए इस सवाल का जवाब ढूंढना सबसे मुश्किल काम है कि ये पेट्रोल कहाँ जाके रुकेगा। और क्योंकि फिलहाल जैसे जैसे ये दाम बढ़ते जा रहे हैं उसके साथ ही मुसीबतें भी बढ़ती जा रही है आम आदमी की, क्योंकि सभी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें इसके कारण लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको जानकारी होगी कि कल जयपुर में ट्रांसपोर्टर्स ने ये धरना प्रदर्शन भी किया था। उनका कहना है कि कई माल की जो बुकिंग है वो पहले होती है, कई बार महीना भर पहले होती है, 15 दिन पहले, हफ्ते भर पहले माल की बुकिंग होती है जिसकी ढुलाई होती है। और पूरे देश में राजस्थान से अगर साउथ के राज्यों में ले जाना है या उत्तर के राज्यों में ले जाना है तो पहले से बुकिंग होती है, और उसमें आज के दाम पर ये लोग बुकिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर हफ्ते भर बाद उसे लेके जाना है तो उस दौरान 2-3 रुपए तब तक बढ़ चुके होते हैं दाम डीजल के हफ्ते भर बाद, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उसमें खत्म हो जाता है। उनको लगता है कि केवल पर किलोमीटर पर जो 2-3 रुपए उनको लाभ होता है उसी से उनका काम चलता है, लेकिन वो अगले हफ्ते जब वो माल लेकर जाते हैं तो उसको कीमत उनको ज्यादा चुकानी पड़ती है डीजल की, तो जो प्रॉफिट उनका खत्म हो जाता है। तो इस वजह से ट्रक ऑपरेटर्स को, जो ट्रक संचालक है, उन सबको इसके कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि चाहे कीमतें बढ़ा दी गई हैं और माल ढुलाई करीब 20% से ज्यादा अब तक बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे उनको किस लेवल पर किस कीमत पर बुकिंग की जाए इसकी परेशानी है। तो ये इस तरह की समस्याएं केवल ट्रांसपोर्टर्स की नहीं है, दूसरे भी जो व्यापारी है उनकी समस्या है। बिल्कुल भी की, लेकिन एक सवाल ये भी है, उपभोक्ता वस्तु पर जो भार बढ़ता है वो आखिरकार आता उपभोक्ता के ऊपर ही है, उपभोक्ता को ही ये कीमत चुकानी पड़ती है। बाद में इसके जो उसको जरूरत की सामान है वो सब महंगे होते जाते हैं और महंगे हो भी रहे हैं। आप खाद्य तेल है, जितने भी आप दालें हैं, मिर्च मसाले हैं, सबकी कीमतें बढ़ चुकी है। यदि आप घर बना रहे हैं और घर के लिए आपको रोड़ी, बजरी, सीमेंट और लोहा या दूसरी चीजें लानी है, उन सबकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल, एक तरीके से एक बात ये भी है कि अगर आने वाले दिनों में जिस भी स्ट्रैटेजी के तहत अगर ये बढ़ोतरी की भी जा रही है पूरे देश भर में, अगर आने वाले दिनों में कमी भी इस पे की जाएगी, एक मामूली सा मरहम जनता की जेब पे लगाने के लिए, तो कितनी कमी हो पाएगी? जब पेट्रोल पहुंच चुका है 110 रुपए के आसपास, डीजल भी 100 के आंकड़े को पार करने को तैयार है, कमी अगर की जाएगी तो वो कहां तक हो पाएगी? 100 से नीचे तो कमी फिर भी नहीं आ पाएगी, लेकिन याद ही कहा जा सकता है कि कोरोना के इस काल में एक कहावत है, कंगाली में आटा गीला होना, ये कहीं ना कहीं वो सार्थक होती दिखाई दे रही है अभी फिलहाल। जैसी इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि कितनी कमी की जाएगी, ये सरकार के ऊपर, सरकार चाहे तो बहुत बड़ा ये इसमें रियायत दे सकती है, क्योंकि
अभी भी अगर जितनी पेट्रोल की कुल कीमत है इसमें 60 से 65% केवल टैक्स हैं, तो 105 रुपए लीटर अगर पेट्रोल की कीमत है तो इस 105 रुपए लीटर में करीब करीब 70 रुपए के आसपास 65 से 70 रुपए केवल टैक्स का भार है। तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के टैक्स है, तो सरकार चाहे तो अपने टैक्स का जो भार है वो कटौती करके और इसमें 10-15-20 रुपए कम से कम इसको राहत दे सकती है फिलहाल। लेकिन मुद्दा ये है कि सरकार के यहाँ चर्चा के लिए ये एजेंडा ही नहीं है, विषय ही नहीं है। आपको कहीं से कोई सूचना ये नहीं मिल रही कि सरकार के कोई मंत्री या उनके विभाग, उनके अधिकारी पेट्रोल को की कीमत कम करने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। जिस तरह से आप दूसरे मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं, चाहे वो कोविड है या आतंकवादी सिस्टम है या कश्मीर समस्या है, इसको लेकर आप देखेंगे कि बातचीत हो रही है, विचार हो रहा है और मंत्री और प्रधानमंत्री और दूसरे अधिकारी बैठ के बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस तरह ये एजेंडे में सरकार के में है नहीं कि कहीं पर कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस पर वार्ता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या कम किया जा सकता है कीमतें, तो वो एजेंडे में ही नहीं है। तो लगता नहीं कि ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल कम होने वाली है। चलिए बीके, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।